21 जनवरी के बाद से बातचीत धन्यवाद जी बातचीत थम गई थी। अब कृषि मंत्री ने फिर से न्योता दिया है। टिकैत साहब क्यों उससे परहेज कर रहे हैं? बातचीत कीजिए ना, खत्म कीजिए ना, कब तक गर्मी में बैठे रहिएगा? न्योता दिया तो न्योता दिया तो जाएंगे, लेकिन बिना कंडीशन के। कंडीशन लगा कर तो नहीं जाएंगे। क्या कंडीशन है? वो तो कह रहे हैं क्वेश्चन मार्क जब लग जाता है किसी उस पे। बातचीत के लिए आए कह रहे, वो ये भी तो कह रहे कि कानून तो वापसी होंगे नहीं और बात कर लो, और जब फैसला सुनाई दिया तो फिर कहीं की बात करें? फैसला तो सुना दिया ना उन्होंने, तो कहीं की बातचीत करें फिर? कानून वापसी ही आपका एकमात्र लक्ष्य है, इस पर आप क्यों नहीं बातचीत करने को तैयार हैं? यानी आप चाहते हैं कि जो पहले की स्थिति थी वही हो जाए किसानों की? भी ये हमने ये कहा जी, सरकार दूसरे चीजों पर बात नहीं करना चाहती। जब 22 तारीख में भी बातचीत हुई तो ये बातचीत हुई थी कि भाई कानून पे अगर आप बात नहीं करना चाहते तो जिन जिन चीजों पर सहमति है उस पर बात कर लेते हैं। हमने उनको कहा कि MSP पे बात कर लो, तो उन्होंने कहा कि MSP पे बाद में बात होगी, पहले कानून पे क्लियर हो जाएगा जब MSP पे या और चीजों पे जब आगे बातचीत करेंगे। तो सरकार ही बात करना नहीं चाहती, तो बताओ हमारे हाथ में क्या है? कल ही तो न्योता दिया है ना टिकैत साहब, कल ही तो न्योता दिया है, कृषि मंत्री खुद ही न्योता दे रहे हैं, अब क्या चाहते हैं आप? फिर कंडीशन नहीं कंडीशन लगा रहे ना कि कानून वापसी नहीं होगी और इसमें जो प्रावधान है उसको चेंज कर लेते हैं, उस पर बात कर लेते हैं। तो अच्छा है ना, प्रावधान ही तो बदलने हैं ना आपको, इसमें क्या दिक्कत है? नाक की लड़ाई क्यों बना ली आपने? नहीं, दिक्कत है उसमें? नहीं, कोई नाक की लड़ाई नहीं, हमारे नाश की लड़ाई है, नाक की थोड़ा है। हमारा नाश लग रहा हो वो लड़ाई है, हम जिंदा कैसे रहेंगे वो लड़ाई है। भाई मार्केट जिस हिसाब से बढ़ी हमारी भी कीमतें बढ़ा दो, कीमतें नहीं बढ़ती तो सरकार सब्सिडी दे दे, हम जिंदा कैसे रहें? अब नाक की थोड़ा लड़ाई रह रही है, अब तो जिंदा कैसे रहेंगे वो लड़ाई है, गांव कैसे आबाद होंगे वो लड़ाई है। जाकर देखो ना एक बार गांव का हाल, आपको जरूर देखना चाहिए। हम लोगों ने गांव का हाल देखा हुआ है और इसीलिए तो किसानों की आवाज में आज तक भी अपनी आवाज बुलंद कर रहा है, लेकिन अच्छा? तभी तो हालत बदलेंगे ना टिकैत साहब, आवाज कर रहा है, धन्यवाद। जब कानून में जो प्रावधानों में आपको दिक्कत है उस पर जाकर बातचीत से ही तो सहमति बनती है ना। अब आप न्योते को ही पहले शक की निगाह से देखेंगे, कहेंगे 200 डिग्री पार मेरा टेम्परेचर चला गया है, गोली चला दो हम पे। अच्छा, जब चिट्ठी लिख के भेज रहे वे और ये कह रहे जी ये कंडीशन है, और जब सारी कंडीशन उनकी होगी तो फिर बातचीत क्या हो, तो फाइनल हो गया। जब जज वकील बन जाएंगे और खुद पैरवी करने लगेंगे केस की, तो फिर क्या दिक्कत है भाई? फिर तो सजा होनी है। चिट्ठी आई है आपको? आप कह रहे हैं चिट्ठी में कंडीशंस लिखा हुआ है, चिट्ठी आई है? वो तो आपके चैनल के माध्यम से हम देख लेते हैं। नहीं, वो तो यही कह रहे हैं कि आइए किसान नेता आंदोलन खत्म करें, किसान आकर हमसे बातचीत करें, इसमें आपको क्या छल और कपट दिख रहा है ये बताइए जरा। वे खत्म भी आंदोलन भी खत्म करेंगे, वो एडवाइजर बॉडी के मेंबर है ना हमारे, भाई वे आंदोलन भी खत्म करवाएंगे, वे बातचीत भी करेंगे, अपनी कंडीशन पर बात करवाएंगे, तो एडवाइजर बॉडी के मेंबर है ना हमारे तो भारत सरकार। 26 जनवरी से लेकर 15 अगस्त आने वाला है टिकैत साहब, कैसे फिर रास्ता निकलेगा? आप क्या चाहते हैं आप? क्योंकि आपको पता है कि सीधे सीधे कानून की वापसी होगी नहीं, प्रावधानों पर बात जरूर होगी। दिल्ली की 15 अगस्त आ गए, 15 अगस्त में झंडा फहराएंगे, वो तो प्रधानमंत्री फहराएंगे, क्यों हम नहीं फहरा सकते तिरंगा? ये देश का किसान नहीं फहरा सकता? मैं लाल किले की बात कर रही हूं, कोई ऐतराज है? अगर तिरंगा झंडा हम हाथ में लेंगे, मैं कह रहा कि लाल किले पे फहरा रहा हूं, हम क्या हमको मने कर रहे लाल किले पे? हम तो दिल्ली की जमीन पे फहराएंगे। आप बार बार संसद क्या दिल्ली में किसान झंडा नहीं लगा सकता?